समग्र राज्य में दर वर्षे 100 इंच थी वधु वरसाद वरसे छे, परंतु वरसाद पूरा थयाना बे महीना में ज पाणी पूरू थवानी बुमराडो सौराष्ट्र ने उत्तर गुजरात सहित अनेक राज्यों में जोवा मळती होय छे। त्यारे गणदेवी नगरपालिका द्वारा नगरजनों ने पाणी की समस्या न पड़े ते माटे नवा स्रोत उभा करवानी कामगिरी करवामां आवी रही छे। गायकीवाड़ समयना जे वाव छे तेने फरी शुरू करीने नगरजनों ने पाणी पूरू पाड़वानी जे कवायत हाथ धराशे। गणदेवी नगर की पाणी पुरवठा योजना ने पाणी पूरू पाड़वा माटे गणदेवी नगरपालिका द्वारा नवा स्रोत सुधार्या छे, जेमा गणदेवी नगर ना आगामी 25 वर्षना विस्तरण अने विकास ने ध्यान में राखीने आ योजना ने आकार आपवा बाद तेमज ए माटे जरूरी पाणीनो पुरवठो जत्थो विशाळ प्रमाणमां काजी ओवारा वेंगणिया नदीमांथी मेळवा माटे नवा आयोजनो पण तैयार करी मंजूरी माटे मोकलाया छे। काजी ओवारे आवेला एक जूना कूवाने के जेमां पाणीनो अखूट भंडार छे तेमज वर्षोथी अवावरु अवस्थामां खंडेर बनी पड़ी छे। महत्वनुं छे के आ वावनो कूवो नगरपालिका द्वारा वेंगणिया नदीना जराओ कूवामां पूरता प्रमाणमां चालू कराया बाद तेने चणतर करी नवी मोटर पाइपिंग मूकी तैयार करी हवे ए कूवानुं पाणी पण नगरपालिकानी पाणी पुरवठा योजना साथे जोड़ी टाकीमां पाड़वानो प्रारंभ कर्यो छे। गणदेवी नगरपालिका में वर्षों से आम तो पानी ने कोई प्रॉब्लम है नहीं, पण अमारे वर्षों से एक बे जगह थे अमारा पानी ना स्रोत एक वेगाणा नदी और अंबिका नदी में थे। अंबिका नदी ना नवा पुल बनवा थे त्यांथी अमारुं जे पानी आवतो तो तेने हालना तबके पुल बनवा थे त्यां योजना बंद थयेली होवाथी अमे हालना तबके गणदेवी नगरपालिका विस्तार में वर्षों से जूनो जे अमारो त्यां पानीनो स्रोत हतो तेनी बाजू में वर्षों जूनी एक वाव हती। वाव ने अमे सफाई करीने एने अमे जणा एटला बधा खूब जणा मळ्या तो एने अमे नवेसरथी एने कूवाने आखो रिनोवेशन करी ने कूवामां अमे मोटर गोठवी अने एने नवो स्रोत मळता गणदेवी ए फूल टाकीथी अमे पाणी आजनी तारीखे आपी रह्या छे अने टूंक समयमां नवी योजना जे पाणीनी लाइनोमां जे अमे गणदेवी नगरमां बिछावी छे तो टूंक समयमां आगामी लगभग 1-2 મહિનામાં ગણદેવી નવી લાઇનમાં પણ અમે આપવા જઈ રહ્યા છીએ। ગણદેવી નગરના તમામ લોકોને જે હાલના તબક્કે જે પેસરથી પાણી નથી મળતું તે લગભગ ફર્સ્ટ સેકન્ડ માળ સુધી અમે ટાંકી અમારી એકદમ હાઈટ પર હોય તો લગભગ સેકન્ડ માળ સુધી અમે હાઈટથી પાણી પહોંચાડશું એની અમારી ફૂલ તૈયારી છે। રાજ્યમાં એક તરફ લોકોને પીવાના પાણીની તકલીફ પડી રહી છે ત્યારે પહેલી એવી નગરપાલિકા છે જે નવા સ્રોત ઉભા કરે છે। સ્રોતમાં અમારે એક પરિસ્થિતિ એવી છે કે અમારી 1990 પછી અંબિકા નદીમાં માનનીય ધારાસભ્ય જ્યારે કરશનભાઈ પટેલ હતા ત્યારે અંબિકા નદીમાં જે દેવધા બંધ જે બંધાયો તે પછી ગણદેવી તાલુકો અને અમારે વેંગણિયા નદીમાં પણ એ પાણીનો ઠેલો લાગવા તે હોવાથી પાણીનો શુદ્ધ ફૂલ પાણી અમારે મળી રહે છે।